नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। महान आम मातृभाषा आज साहित्य ज्ञान संचयन कार्यक्रम आपण मानक कवि सम्राट उपेन्द्र भंज संपर्कित केतोटी उपादेय प्रश्न एवं उत्तर नहीं कि आसी मु निश्चलानंद तांदी। तेबे चालंतु आउ विलंबन करी वीडियो को आरंभ करिबा। तेबे आपण मानक प्रत्येक प्रश्नर उत्तर चारि गोटी विकल्प रही। तेबे आज प्रथम प्रश्न हेउची रीतिजुगर श्रेष्ठ कवि किए। रीतिजुगर श्रेष्ठ कवि किए? क दीनकृष्ण दास, ख महादेव दास, ग उपेन्द्र भंज एवं घ धनंजय भंज। तेबे यार सठिक उत्तर टी हेउची ग उपेन्द्र भंज। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा, उपेन्द्र भंजंक पितांक नाम कौन? उपेन्द्र भंजंक पितांक नाम कौन? क नीलकंठ भंज, ख धनंजय भंज, ग नीलमणि भंज एवं घ रघुनाथ भंज। तेबे यार सठिक उत्तर टी हेउची क नीलकंठ भंज। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा, कवि उपेन्द्र भंज केउं काव्यरे से निजे 26 गोटी ग्रंथर रचयिता बोली उल्लेख करिछंती? कवि उपेन्द्र भंज केउं काव्यरे से निजे 26 गोटी ग्रंथर रचयिता बोली उल्लेख करिछंती? क रे कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, ख चित्रकाव्य बंधोदय, ग छांदभूषण एवं घ प्रेम सुधानिधि। तेबे यार सठिक उत्तर टी हेउची ख चित्रकाव्य बंधोदय। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा, निम्नोक्त केउटी कवि उपेन्द्र भंजंक रचना अटे? निम्नोक्त केउटी कवि उपेन्द्र भंजंक रचना अटे? क रसकल्लोल, ख रघुनाथ विलास, ग वैदेही विलास एवं घ कृष्ण विलास। तेबे यार सठिक उत्तर टी हेउची ग वैदेही विलास। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा, चंद्रभानु उपेन्द्र भंजंक केउ काव्यर नायक अटे? चंद्रभानु उपेन्द्र भंजंक केउ काव्यर नायक अटे? क प्रेम सुधानिधि, ख वैदेही विलास, ग लावण्यवती एवं घ कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। तेबे यार सठिक उत्तर टी हेउची ग लावण्यवती। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा, लावण्यवती काव्यटी केते छंद विशिष्ट? लावण्यवती काव्यटी केते छंद विशिष्ट? क 48, ख 52, ग 35 एवं घ 36। तेबे यार सठिक उत्तर टी हेउची क 48। लावण्यवती काव्यटी 48 छंद विशिष्ट। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा, केउ काव्य द्वारा प्रभावित होई कवि उपेन्द्र भंज वैदेही विलास काव्य रचना करिछंती? केउ काव्य द्वारा प्रभावित होई कवि उपेन्द्र भंज वैदेही विलास काव्य रचना करिछंती? क रे सीता विलास, ख रघुनाथ विलास, ग रसकल्लोल एवं घ रुक्मिणी विवाह। तेबे यार सठिक उत्तर टी हेउची ख रघुनाथ विलास। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा, केउ राजा उपेन्द्र भंजंकु वीरवर उपाधि रे भूषित करिथिले? केउ राजा उपेन्द्र भंजंकु वीरवर उपाधि रे भूषित करिथिले? क पारळाखेमुंडीर राजा, ख घुमुसरर राजा, ग बामंडार राजा एवं घ नयागड़र राजा। तेबे यार सठिक उत्तर टी हेउची घ नयागड़र राजा। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा, कवि उपेन्द्र भंजंक शेष रचना कौन थिला? कवि उपेन्द्र भंजंक शेष रचना कौन थिला? क कलावती, ख प्रेम सुधानिधि, ग अवना रसतरंग एवं घ कोटि ब्रह्मांड सुंदरी।
तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची घ कोटी ब्रह्मांड सुंदरी। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांकर केउ काव्यरे मंगलाचरण रे एकाथर के एकाधिक देवदेवी वंदना गान करिसंती। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांकर केउ काव्यरे मंगलाचरण रे एकाथर के एकाधिक देवदेवी वंदना गान करिसंती। क वैदेहिस विलास, ख रसपंचक, ग कलाकौतुक एवं घ कोटि ब्रह्मांड सुंदरी। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची क वैदेहिस विलास। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा वैदेहिस विलास काव्यटी केउ आद्य अक्षर नियमरे रचित एवं एहार छंद संख्या केते। वैदेहिस विलास काव्यटी केउ आद्य अक्षर नियमरे रचित एवं एहार छंद संख्या केते। क रे ब अक्षर ओ 48 छंद, ख रे म अक्षर ओ 48 छंद, ग ब अक्षर ओ 52 छंद एवं घ स अक्षर ओ 35 छंद। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची ग ब अक्षर ओ 52 छंद। वैदेहिस विलास काव्यटी आद्यरे ब अक्षर नियमरे रचित एवं एथिरे 52 टी छंद अछि। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा कवि उपेन्द्र भंज केउ मंत्र जप करी कवित्व लाभ करिथिले। कवि उपेन्द्र भंज केउ मंत्र जप करी कवित्व लाभ करिथिले। क श्री राधा मंत्र, ख विष्णु मंत्र, ग रामतारक मंत्र एवं घ गायत्री मंत्र। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची ग रामतारक मंत्र। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एक कि प्रकार काव्य अटे। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी एक कि प्रकार काव्य अटे। क पौराणिक काव्य, ख काल्पनिक काव्य, ग आलंकारिक काव्य एवं घ काल्पनिक ओ आलंकारिक काव्य। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची ख काल्पनिक काव्य। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा रसमंजरी एक कि प्रकार काव्य अटे। रसमंजरी एक कि प्रकार काव्य अटे। क पौराणिक काव्य, ख काल्पनिक काव्य, ग आलंकारिक काव्य एवं घ काल्पनिक ओ आलंकारिक काव्य। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची घ काल्पनिक ओ आलंकारिक काव्य। तेबे परवर्ती प्रश्न को जीवा कवि सम्राट उपेन्द्र भंज केउ शताब्दीर कवि अटंती। कवि सम्राट उपेन्द्र भंज केउ शताब्दीर कवि अटंती। क द्वादश शताब्दी, ख चतुर्दश शताब्दी, ग पंचदश शताब्दी एवं घ सप्तदश शताब्दी। तेबे एहार सठिक उत्तरटी हेउची घ सप्तदश शताब्दी। तेबे आजिर कार्यक्रमरु आपण माने निश्चय किछि ना किछि ज्ञान ग्रहण करि पारिथिबे। तेबे आजि पई एतिकी विदाय दियंतु। नमस्कार।